बीकानेर से बड़ी खबर है, नशा तस्कर सत्तार खान पर पुलिस का एक्शन हुआ। एनडीपीएस के कई मामलों सहित 70 मुकदमे हैं। एसपी तेजस्वी गौतम के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई। आज तोड़ा जा रहा है अवैध अतिक्रमण, भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। सदर थानाधिकारी ब्रजभूषण अग्रवाल भी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। और चलिए बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बेहद अहम कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, विस्तार से जानकारी चाहेंगे, आप मौके पर मौजूद हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अतिक्रमण अभी जमींदोज किया गया है। यहाँ पर एडिशनल एसपी दीपक शर्मा, आईपीएस जो हैं जो रमेश, वो मौजूद हैं। इसके अलावा सदर थाना अधिकारी, जिन थाना क्षेत्र में यहाँ पर कार्रवाई हुई, आप देख सकते हैं ये अतिक्रमण तोड़ा गया है। सत्तार खान, देखिए दरअसल पूरे राजस्थान में एक अभियान चल रहा है डीजीपी के निर्देश पर, खासतौर पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी हमने देखा हनुमानगढ़ में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, बीकानेर में भी आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो हम समझते हैं सबसे पहले तो किस तरह के आरोप थे, किन मामलों में ये वांछित था या क्या इसका बैकग्राउंड है। देखिए, ये जो आज का कार्रवाई हुई है, ये प्रशासन पुलिस प्रशासन का ये संयुक्त कार्रवाई है। इसमें यूआईटी के दौरान हमें ये डिमांड आई थी कि जो नशे बेचने वाले हैं, नशे का काम कारोबारी जो करने वाले, उनका आसूचना संकलन करके हमें दे दीजिए, और उसका आधार पर अगर वो कहीं पे इंक्रोचमेंट किया है तो उसको हम हटाया जाए। तो फिर उसका आधार पर हमने आसूचना संकलन किया है, और काफ़ी मुखबिर से हमने इन्फॉर्मेशन लिया है कि ये जो सत्तर का जो आदमी है, ये सामने एक अड्डा टाइप बना के इसमें बच्चों को यूज़ करके और नशे पिलाता था। मतलब यहाँ से नशे का व्यापार होता था, ये बेचते थे। ये काफ़ी मुकदमे भी है इनका ऊपर, 15 मुकदम खुद का है, इनका बेटा का 15-20 मुकदमे है, उसमें एनडीपीएस का मुकदमे भी है और आर्म्स का भी मुकदमे है, मारपीट का भी है। जो जो इन्फॉर्मेशन देने आगे आता था, उनके साथ ये मारपीट करते थे, उनका बच्चों को परेशान करते थे, ये हमें सूचना मिली थी। इसके आधार पर हमने एक रिपोर्ट बना के प्रशासन को दिए, तो प्रशासन की तरफ से यूआईटी आके इसका कार्रवाई कम्प्लीट की है। कुल कितने मुकदमे थे इस पर, एनडीपीएस की बात करें, अलग अलग हम समझने की कोशिश करें तो? इसमें काफ़ी है, हथियार का तो 3-4 मुकदमे हैं, और मारपीट का भी 4-5 है, और एनडीपीएस का 3-4 मुकदमे हैं, और उसका 17 मुकदमे या 70 ऐसा कुछ आ रहा है अभी। इनका खुद का तो 17 के आसपास है, और इनका बेटा है वो भी इसी में लिप्त हुआ है, ये बेचान काम करता है और बच्चों को यूज़ करके गैंग टाइप बना के वो आसपास में लोगों को डरा के धमका के ये इनको नशे में लिप्त कराने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पुलिस जाब्ता मौजूद है, आप देखेंगे कार्रवाई हुई। हम बात करेंगे एडिशनल एसपी दीपक शर्मा से भी, समझते हैं फोर्स मौजूद रही, हालांकि देखिए लगातार बात भी हो रही थी, लगातार कुछ कहा जा रहा था कि इस इलाके में कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये कार्रवाई तो हुई है, बाकी कैसे देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ये इलाका जो है खासतौर पर ऐसा गढ़ बनता जा रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नशा बेचा जाता है। लगातार बीकानेर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है नशे के विरुद्ध, एसपी मैम के निर्देशन में लगातार हमारे सीओ साहब कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, ये सत्तार खान, इसका हम आपराधिक पृष्ठभूमि समझना चाहते हैं, दरअसल क्या मामला है, कितने मुकदमे हैं इस पर? इसके खिलाफ सभी प्रकार के मुकदमे, विशेष तौर पे नशे का काम करता है, मारपीट के, आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी दर्ज हैं इसके खिलाफ, और उसके खिलाफ हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। चलिए, तो दीपक शर्मा जिन्होंने बताया, सदर थाना अधिकारी ब्रजभूषण सहित तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, दरअसल एक संदेश छोड़ने की कोशिश है मुझे जो लगता है इस पूरी कार्रवाई में, क्योंकि लगातार ये बात बीकानेर में खास तौर पर इस इलाके के लिए कही जा रही थी, कुछ भाजपा नेताओं तक ने ट्वीट किए थे, ये बात बाकायदा कुछ ग्रुप्स में लिखी गई थी कि इस इलाके में जो है नशा बिकता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लगातार कही जा रही थी, भाजपा नेता भी यहाँ दिख रहे हैं हमें। आप क्या अनायास यहाँ आए या मौजूद? मेरे पत्नी यहाँ से पार्षद है, ये वार्ड है, और इसकी पहले पूर्व एसपी साहब से लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, शिकायत हो रही है कि यहाँ नशा बिकता है, छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और भाजपा सरकार का अवैध खनन, नशे और अतिक्रमण पर पूरा फोकस है, कार्रवाई चल रही है और इसका स्वागत करते हैं, इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी तो बीकानेर नशा मुक्त हो जाएगा। आपको मिलाकर देखिए संदेश यही है कि नशा मुक्त बीकानेर बनना चाहिए, और मुझे लगता है जहां भी इस तरह की चीजें हो रही हैं पुलिस उस पर कार्रवाई करे, लेकिन जरूरी यह भी है कि पुलिस ग्राउंड जीरो पर इस तरह से काम करे, केवल तस्वीरों के लिए काम ना हो, केवल इसलिए काम ना हो, तह तक जाना चाहिए, और नशे को खत्म करना है तो इस तरह की कार्रवाई भी जरूरी है, और शायद इसलिए की भी गई। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण राघव आपका इस पूरे बातचीत के लिए।